नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैशटैग क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल कैसे करें। जी हां दोस्तों, किसी भी किताब का सवाल क्यों ना हो, कोई भी किताब क्यों ना हो, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आपको अगर कहता है समीकरण का हल जो है पूर्ण वर्ग विधि से करें तो दोस्तों आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आपको 5 मिनट अपना बर्बाद कर लेना है, उसके बाद दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि का आप बादशाह हो जाएंगे। इसके बाद आपका पूर्ण वर्ग विधि जो है आपका गुलाम होगा इसी वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केवल और केवल मैं आप लोगों को सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। 2x² - 7x + 3 = 0, ये सवाल है दोस्तों। जो भी समीकरण कोई भी क्यों ना हो, जो मैं आप लोगों को नियम बता रहा हूं बस उस नियम पे आपको काम करना है, ध्यान दीजिए। x² से पहले 2 है दोस्तों, x² से पहले कुछ भी हो उसी से दोनों तरफ आपको भाग करना है, ठीक है। तो चलिए भाग करते हैं। 2x² है, इसको 2 से भाग कर दिए। -7x है, इसको भी 2 से भाग कर दिए। +3 है, इसको भी 2 से भाग कर दिए। बराबर में 0 है, इसको भी 2 से भाग कर दिए। यानी कुछ भी है, जो भी x² से पहले होगा उसी से दोनों तरफ भाग करेंगे। बस आपको एक नियम याद रखना है, उसके बाद आप लोगों को ऐसा कोई समीकरण नहीं होगा जिससे कि आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब कटेगा तो काट देंगे, कट गया, अब नहीं कट रहा है तो लिखेंगे x² - 7x/2 + 3/2 = 0, में किसी से भाग देंगे तो 0। दोस्तों जब भी 2 = 1 लाइन में आ जाता है तो ऐसा एरो लगा दीजिएगा, तीर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, माइनस है, एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a - b² a² - 2ab + b², एक और फॉर्मूला a + b² a² + 2ab + b². ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। अब इसमें ध्यान दीजिए, माइनस है इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर प्लस रहता तो ये वाला यूज होता, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर इसको बनाइए तो x का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो x² नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो x का होल स्क्वायर कर दिए x² माइनस, फॉर्मूला क्या है देखिए, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2a, a जो होता है पहले है वही a है तो a रखिए, गुना b, अब तो b आपको नहीं मालूम है, अब यहाँ नौटंकी शुरू हो गया दोस्तों। यही आपको मालूम करना है अपने मन से क्या रखेंगे जिससे कि 7/2x हो जाए, तो x तो मिल गया, x का टेंशन खत्म, 7 आना चाहिए, 7 नहीं है ऊपर में तो 7 ले लीजिए। अब नीचे में हम क्या रखें जो बट्टे में 2 बचना चाहिए दोस्तों, सोच करके देखिए, अगर हम 4 रखते हैं तो ये 2 और 2 काट देंगे तो नीचे में 2 बचा के नहीं बचा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले से 2 था, अब यहाँ 7 रखे हैं अपने मन से, अगर नीचे में 2 रखते हैं तो 2 2 तो कट गया तो 7x बचा, लेकिन बचना कितना चाहिए, 7x/2 बचना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। सवाल यहाँ क्या है, 2x और b के जगह पे अपने मन से सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, 7/2 अगर हम 4 रख दें तो ऐसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2x था और 7/4 हम लिए, काट दीजिए 2 2 4, देखिए x को 7 से गुना करेंगे तो 7x और नीचे में 2, माइनस तो पहले से है, देखिए 7x/2 आया कि नहीं आया, 7x/2 और माइनस, समझ पा रहे हैं। तो यही आपको मेन चीज सेटिंग करना है दोस्तों, अगर b आपको सेटिंग करना आ गया तो दुनिया का कोई ऐसा समीकरण नहीं है जो आपको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनेगा, जी हाँ दोस्तों, बस आपको यही सेटिंग करना है। यानी a मिल गया x और b क्या मिल गया, 7/4 प्लस, यानी कि 2ab प्लस b² तो b के जगह पे तो 7/4 लिए है ना, तो इसका स्क्वायर, अब इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, लिख लिए होंगे आप लोग, आता भी होगा। तो देखिए 2ab + b², अब जो स्क्वायर किए हैं वही स्क्वायर एक बार घटा देना है दोस्तों,
सात बट्टा चार का होल स्क्वायर, दो बार लिखना है, जो बी लिखे उसी को लिख दिए। एक नियम क्या था देखिए, बी खोजना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो यहाँ तक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। उसके बाद जो b का स्क्वायर किया है वही को एक बार घटा देना, ठीक। उसके बाद प्लस तीन बट्टा दो लिखना, प्लस तीन बट्टा दो, यानी जो रहेगा जो बचेगा वो बराबर में जीरो। समझ पा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ले करके यहाँ तक एक फॉर्मूला बनता है, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स, माइनस बी के जगह पे क्या है, सात बट्टा चार, और इसी का होल स्क्वायर होता है ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी मैंने लिखा था, ठीक है। ये हो गया, यहां तक का हो गया, माइनस सात का स्क्वायर है दोस्तों, सात का स्क्वायर उनचास, चार का स्क्वायर सोलह, प्लस तीन बट्टे दो बराबर में जीरो। अब यहां देखिए, एक्स माइनस सात बट्टे चार का होल स्क्वायर है, अगर इस दोनों टर्म को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे उनचास बट्टे में सोलह, माइनस में तीन बट्टे में दो, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए ऐसे, समझ पा रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे एक्स माइनस सात बट्टे चार का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ बट्टा पर का जोड़ है दोस्तों, घटाव है, सॉरी घटाइए, 16 और 2 का लघुत्तम करेंगे तो 16 आएगा, 16 और 2 का लघुत्तम करेंगे तो 16, तो यहाँ पे होगा उनचास माइनस दो अट्ठे सोलह, तो आठ त्रिक 24 नहीं होगा, आठ त्रिक 24, तो उनचास में से 24 चला गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 25 बचेगा, और नीचे में 16 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, 16 बचेगा, यानी इतना बराबर इतना आ गया, तो यही लिख दिए इतना बराबर इतना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर जीरो था, जब स्क्वायर जब मिल जाए ऐसा तो क्या करना है, दोनों तरफ अपने मन से रूट लगा देना है, ठीक है। दोनों तरफ क्या करना है, रूट क्यों लगाए, स्क्वायर को हटाने के लिए, कोई भी चीज स्क्वायर में रहता है अगर रूट लगा देते हैं तो वो हट जाता है, तो ये दो बार आता है रूट में, एक बार क्या होगा बाहर आ जाएगा, सात बट्टे चार बराबर पाँच, पच्चीस का वर्गमूल पाँच होता है, सोलह का वर्गमूल चार होता है, और जब भी ऐसा निकालिए तो अपने मन से प्लस और माइनस लगा दीजिएगा, समझे। जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस पाँच बट्टे चार, आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं दिए, तो दोस्तों ये चर अचर दोनों है, सिर्फ अचर वाले पद में प्लस और माइनस लगेगा, अचर पद वाला का मतलब क्या हो गया, सिर्फ संख्या वाला में, ठीक है, क्योंकि इतना बराबर ये जो बच रहा है। अब ध्यान दीजिए, x माइनस सात बट्टा चार बराबर पाँच बट्टा चार, एक बार प्लस में और पाँच बट्टा चार एक बार माइनस में। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x माइनस सात बट्टे चार बराबर में एक बार पाँच बट्टे चार प्लस में ले लेते हैं, और फिर से x माइनस सात बट्टे चार बराबर में माइनस पाँच बट्टे चार ले लेते हैं, समझ पा रहे, क्योंकि दो बार ले लिए, यहाँ पे प्लस माइनस, पाँच बट्टा चार इसके लिए भी है और पाँच बट्टा चार माइनस में भी इसके लिए, तो x माइनस सात बट्टा चार के लिए पाँच बट्टे चार यहाँ से प्लस वाला लिए, और फिर x माइनस सात बट्टे चार बराबर में यहाँ से माइनस वाला ले लिए। अब देखिए दोस्तों, x बराबर सात बट्टा चार को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो पाँच बट्टा चार है पहले से, और इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो सात बट्टा चार हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब चार चार का एलसीएम चार, यहाँ पे पाँच प्लस सात, तो सात पाँच बारह बट्टे चार, यानी कि हो गया आपको बारह बट्टे चार, बारह बट्टे चार कटेगा तो काटिए, चार या बारह, यहाँ से एक एक्स बराबर कितना आ गया, चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक एक्स बराबर आ गया आपको तीन, कितना आ गया, तीन आ गया, समझ पा रहे। सेम काम इधर करना है दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा है इसका, आप लोग लिख लिए होंगे, अब इसको मिटा देते हैं। इसी चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए, x माइनस सात बट्टे चार बराबर माइनस पांच बट्टे चार, यहां से दोस्तों अगर हम माइनस पांच बट्टे चार ये पहले से है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे माइनस सात बट्टा चार को, तो प्लस सात बट्टा चार हो जाएगा, बट्टा पर का घटाव है, माइनस पांच प्लस सात, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दो बराबर आ गया इसलिए एरो लगा दिए,
सात में पांच चला जाएगा तो दो, और नीचे में हो गया चार, कटेगा तो काटिए, दो दूनी चार, एक दो, यानी क्या बच गया, एक बट्टा दो। एक एक्स बराबर निकला दोस्तों तीन, और एक एक्स बराबर क्या निकला, एक बट्टा दो। तो लास्ट में आप लिख लीजिएगा खत्म करके, अतः एक्स बराबर तीन कॉमा एक बट्टा दो, और ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी जानकारी मिला होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।